हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी इंटीग्रेशन। पिछले सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा कॉर्टेक्स को इंटीग्रेट करना है। आप कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला जानते हैं, लॉग साइन एक्स होता है। लेकिन बेटा वह कैसे होता है आज हम वह सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा आप cot x को लिख सकते हो, cos x upon sin x लिख सकते हैं। लिख देते हैं cos x upon sin x और ये बेटा dx। अब बेटा आपको ये देखना होता है क्वेश्चन में किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। यदि आप ध्यान दोगे तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है। जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो बेटा आप उसे पुट करें। क्या पुट करेंगे बेटा? साइन एक्स को पुट करेंगे। साइन एक्स इक्वल टू पी पुट कर देते हैं। और बेटा जिसे हम पुट करते हैं उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स और क्या आता है? डी एक्स। इक्वल साइन है, लगा दो। टी का डिफरेंशिएशन डी टी, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा कॉस एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख सकते हो। तो बेटा ये हो गया आपका डी टी। और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? टी लिख सकते हैं। अब आप जानते हो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t और प्लस क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब बेटा आपको यहाँ t की वैल्यू रखनी होगी। t क्या है बेटा? साइन x। रख दीजिए log साइन, यहाँ t की जगह रखा हमने साइन x और प्लस सी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब बेटा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ हम क्या पुट करें कि ये बेटा क्वेश्चन सिंपलेस्ट हो जाए। तो मैं आपसे कहूंगी यहाँ यदि आप एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हो तो बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन टू थीटा का और क्वेश्चन सिंपलेस्ट हो जाए। चलिए करके देखते हैं इसको सॉल्व। पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, हम ये पुट कर रहे हैं। जिसे हम पुट करते हैं उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन वन और क्या आएगा? डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा और क्या आएगा बेटा? डी थीटा। अब बेटा इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या है? टेन इनवर्स टू एक्स की जगह लिखा बेटा टेन थीटा अपॉन वन माइनस इस एक्स की जगह भी टेन थीटा और बेटा डी एक्स की जगह क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहां से वैल्यू डाल, ठीक है। ये टेन इनवर्स, ये जो ब्रैकेट है ये किसका फॉर्मूला बन गया? टेन टू थीटा का। तो ये हो गया टेन टू थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आप जानते हो टेन इनवर्स टेन टू थीटा को आप बेटा टू थीटा लिख सकते हो। तो बेटा इसे हम टू थीटा लिख लेते हैं और ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगली स्टेप में बेटा टू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। अब आप ध्यान देना यहाँ दो फंक्शन है मल्टीप्लाइंग, एक थीटा और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा। कैसे इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले की हेल्प से इसे इंटीग्रेट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बेटा? यू इंटू वी का फॉर्मूला। आप बेटा इसे यू और इसे वी मान के ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या कहता है फॉर्मूला? यू लिखो, यू का मतलब बेटा थीटा लिखो। इंटीग्रेशन करो वी को, वी को मतलब सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है।
ये माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए यू का। यू मतलब किसका बेटा? थीटा का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन करो वी को, वी मतलब सेट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने क्या करा, सिर्फ बेटा यू और वी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये टू, ये थीटा, सेट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, लिख देते हैं माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन। बेटा एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे वन होता है तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? वन। तो बच्चों ये वन हो गया। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? टेन थीटा और ये डी थीटा, ये टू, ये थीटा, टेन थीटा माइनस ये क्या है बेटा? टेन थीटा है। टेन थीटा का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक थीटा और प्लस क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा हमें यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी है। बेटा इस क्वेश्चन को हम एडजस्टमेंट से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? टू से यहाँ मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। ठीक है, अगली स्टेप में बेटा आप इसे 2 × 1 लिखो, लिख सकते हो। फिर बेटा अगली स्टेप में हम इस 2 को यहाँ सेक की पावर बना सकते हैं। कैसे? ये है बेटा लॉग की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है ये जो m है इसे बेटा आप कहाँ लिख सकते हो? x की पावर में लिख सकते हो। ठीक है, तो वही हमने करा, यहाँ 2 पावर थी, सेक की पावर बना दी लॉग की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब अगली स्टेप में ये 2 थीटा टेन थीटा, ये माइनस 1/2 लॉग सेक स्क्वायर थीटा। बेटा सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कैसे लिखा? ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम बेटा sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, ये 2 थीटा चाहिए तो थीटा के लिए क्या करें? दोनों तरफ यहाँ जो हमने पुट करा उसमें tan इनवर्स कर देते हैं। यहाँ आप tan इनवर्स करो तो यहाँ भी tan इनवर्स कर दिया। ठीक है, ये tan इनवर्स x और इसे क्या लिख सकते हो? थीटा। कैसे? tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है ऐसे, तो थीटा की वैल्यू मिली हमें tan इनवर्स। ये लिख देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा को बेटा क्या लिख सकते हो यहाँ से? x। तो यहाँ लिख लेते हैं इंटू x, ये 1/2 ये log, ये 1 + tan थीटा को आप लिख सकते हो x। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब बेटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ cos रूट x है। इस क्वेश्चन को हम एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे। कैसे? हम बेटा रूट x का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई, रूट एक्स का नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? अब हम बेटा रूट एक्स को पुट करेंगे। पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, जिसे हम पुट करते हैं उसे हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और फिर क्या आता है? डी एक्स इक्वल टू और टी का dt। ठीक है, अगली स्टेप में इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं तो हो गया 2dt। अब बेटा ध्यान देना, dx अपॉन रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2dt। तो ये बेटा 2 और ये हो गया आपका dt। ठीक है, ये cos, इस रूट एक्स को हम लिख सकते हैं t और इस रूट एक्स को भी t लिखा।
अब ध्यान दो बेटा, हमें दो फंक्शन मिले लेकिन किसमें, मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, u इंटू वी का। इसे बेटा आप u और इसे आप v मानेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है बेटा u लिखो, u का मतलब t लिखो, इंटीग्रेशन करो v का, v मतलब cos t का इंटीग्रेशन। ये माइनस साइन है, माइनस लगाया, ये इंटीग्रेशन साइन। अब बेटा डिफरेंशिएशन करो u का, तो डिफरेंशिएशन u का मतलब t का डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन करो v का, v बेटा आपका cos t है, उसका इंटीग्रेशन, ये dt और ये dt। ठीक है, हमने क्या करा, हमने सिर्फ बेटा u और v की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में बेटा इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ dx की जगह क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे टू ये t, cos t का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos t का इंटीग्रेशन sin t, ये माइनस साइन। x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 होता है, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, तो ये 1 हो गया। cos t का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos t का इंटीग्रेशन sin t, और ये dt, ये 2t sin t, ये माइनस, ये क्या है बेटा साइन टी, उसका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टी और प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी। अगली स्टेप में ये माइनस क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। अब बेटा हमें कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखना होगा, t की जगह हम क्या लिखेंगे रूट एक्स और कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये 2 t की जगह लिखा बेटा रूट एक्स साइन, इस t की जगह भी रूट एक्स प्लस कॉस, इस t की जगह रूट एक्स और प्लस क्या आएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c।